बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम में आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत इशाया नबी का सहीफा, उसका 35वां बाब और उसकी पहली आयत से लेकर 10वीं आयत तक। बियाबान और वीराना खुशी करें, दश्त शादमान हो और फूले, वो नरगिस की तरह खिलेगा और फूलेगा और गीत गाते हुए बड़ी खुशी करेंगे। लुबनान की शौकत और किरमल और शारून की खूबी उसे दी जाएगी, तो वो खुदावंद का जलाल और हमारे खुदा की हशमत देखेंगे। ढीले हाथों को जोर दो, नातवान घुटनों को मजबूत करो, खौफजदा दिलों से कहो जोरावर बनो और मत डरो। देख, तुम्हारा खुदा मुंतकिम होकर आता है, खुदा अजर देने वाला है, वो आएगा और तुम्हें निजात देगा। तब अंधों की आंखें बीना की जाएंगी और बहरों के कान खोले जाएंगे। तब लंगड़ा आदमी हिरन की तरह कूदेगा और गूंगे की जबान गीत गाएगी, क्योंकि पानी बियाबान में और दरिया जंगल में फूट निकलेंगे और सराब तालाब और प्यासी जमीन पानी के चश्मे बनेगी, और गिद्धों की उन गारों में जहां वो पड़े रहते थे सरकंडे और नागर मोथा की सब्जी जाहिर होगी। और वहां एक शाहराह और एक रास्ता होगा जो मुकद्दस रास्ता कहलाएगा, उसमें नापाक ना गुजरेगा, पर मेरे लोग उस राह में चलेंगे और अदना आदमी भी उसमें गलती ना खाएगा। वहां कोई शेर ना होगा और ना कोई जंगली दरिंदा उस पर चढ़ेगा और ना वहां पाया जाएगा, बल्कि जो निजात याफ्ता हैं वो उसमें चलेंगे और जिनका खुदावंद ने फिदिया दिया वो लौटेंगे और गीत गाते हुए सहून को आएंगे और अब्दी फरहत उनके सरों पर होगी। वो सरूर और शादमानी पाएंगे और गम और नाला उनके पास से भाग जाएंगे। कलाम अक़दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायस बरकत हो।